बड़ी खबर आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई। दोषी करार दिए गए थे और 2 साल की सजा सुनाई गई है आजम खान को। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, 2 साल की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। बहस पूरी हो चुकी है क्योंकि दोषी पहले ही करार दिए गए थे, बहस चल रही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आजम खान को अब 2 साल की सजा सुनाई गई है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। दोषी करार देने के बाद बहस चल रही थी और आजम खान को अब 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में माना था दोषी और अब 2 साल की सजा आजम खान को। एक बार फिर से 2 साल की सजा सुनाई गई। इससे पहले भी वो जेल जा चुके हैं और उनकी सदस्यता जा चुकी है। और एक बार फिर से हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, 2 साल की सजा सुनाई गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिस चीज का इंतजार हो रहा था कि कब सजा जो है कोर्ट सुनाएगा, सजा का अनाउंसमेंट कब होगा, तो अब जो है वो सजा का अनाउंसमेंट जो है हो चुका है और कोर्ट ने 2 साल की सजा जो है सुना दी है। और ये जो पूरा मामला था एमसीएमएलए कोर्ट का, ये पूरा मामला था एमसीएमएलए कोर्ट से सजा सुनाई जानी थी। अभी थोड़ी देर पहले दोनों ही पक्ष के अधिवक्ताओं में जबरदस्त बहस हुई थी सजा को लेकर। चूंकि मैक्सिमम सजा जो है 3 साल है, तो 3 साल की सजा ना देकर 2 साल की सजा, तीनों धाराओं की सजा तकरीबन 2 साल जो है कोर्ट ने सुनाई है। जी सैयद आमिर, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट में जिस तरह से एविडेंस दिए गए थे, जिस तरह से कोर्ट में जो है दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी, उन्हीं दलीलों के आधार पे जो है ये फैसला जो है सुनाया गया है। क्योंकि हेट स्पीच के मामले में कोर्ट पहले से ही काफी ज्यादा सख्त है और जिस तरह से जो अभियोजन पक्ष था उन्होंने जो दलीलें दी थी उन दलीलों को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और उसी दलील के आधार पर ये फैसला सुनाया गया है। जी बिल्कुल। सैयद आमिर, क्या कुछ वकील ने कहा? क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से बहस की गई, तो जो एविडेंस था उसमें क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि अगर बातचीत लगातार जब की जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि उन्हें फिर से फंसाया जा रहा है, लेकिन ये कोर्ट का पूरा मामला था। देखिए, चूंकि पहले दोषी करार दिए गए थे, चूंकि इस तरह की जो बात थी वो जब जैसे ही कोर्ट में पहले बहस हुई थी और आज की तारीख दी गई थी, उसके बाद में जो है कोर्ट में आजम खान दोषी करार दिए गए थे। अब जो थी वो बहस सिर्फ सजा के ऊपर थी, तो सजा कितनी हो इस बात के ऊपर ये बहस थी आज की। तो आजम खान के जो पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर जो मैक्सिमम सजा दी जाए। बिल्कुल सही नाम लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि आजम खान को बड़ा झटका लगा है और 2 साल की सजा सुनाई गई है। रुक रहे